वे क्या मौसम हो रहा है देखे मरी में। आए हाय हाय जबरदस्त मौसम है ना यार इधर तो। मौसम बड़ा प्यारा होता है ये देख रहे हैं आप लोग। अभी तो हम लोग इससे भी ऊपर जगह जा रहे हैं, सारे बादल आए हुए देख रहे हैं आप लोग, सारे बादल। अभी हम इससे भी ऊपर जा रहे हैं, उधर तो और ठंडा मौसम होगा। तो ऐसा सीन था कि हम लोग अगर रूम की गैलरी खोल रहे थे ना तो बादल हमारे रूम के अंदर आ रहे थे। माशाल्लाह बेहतरीन मौसम हो रहा है। शायद भाई मौसम कैसा है? बहुत अच्छा मौसम है यार, हमें मौसम बड़ा प्यारा मिला भाई। चले भाई गाड़ी में बैठते हैं, बहुत लेट हो गए। आज हमें कहाँ जाना है? आज हम एडवेंचर करने जाना है। और एडवेंचर करने कहाँ जाना है अगर आप लोगों को बताते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर आप लोग बताते हैं। अभी फिलहाल खाना खाने जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉगर। आज के ब्लॉग में हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? आज के ब्लॉग में हम लोग करने जा रहे हैं एडवेंचर। एडवेंचर करने कहाँ जा रहे हैं भाई? भाईजान हाइकिंग करने जा रहे हैं। हाइकिंग करने जा रहे हैं। छोटे को बहुत शौक है हाइकिंग करने का, तो उसने बोला हाइकिंग करने जानी है जानी है जानी है, तो हमने बोला चलते हैं फिर हाइकिंग करने। हाइकिंग करने नहीं ट्रैकिंग करने। और कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं नाम बताओ? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, ये बंदा हर चीज भूल जाता है यार। लालाजार ट्रैक पे जा रहे हैं नथिया गली के अंदर, और अच्छा खासा बड़ा ट्रैक है, वहाँ चलते हैं। उससे पहले कहीं नाश्ता करने कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? जंगल पॉइंट। जंगल इन पॉइंट उधर क्या जंगल के अंदर नाश्ता मिलेगा? जी होटल बना हुआ है वहाँ, एक नाश्ता स्पेशल। चले फिर वही नाश्ता करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाए। कराची में भी वीआईपी पार्किंग होती है, इधर भी होती है कराची में, देखा है ना खालबिन वलीद पे कितनी गाड़ियां लेने गए, वहाँ पर वीआईपी पार्किंग ऐसी होती है। अभी यहाँ पर उठा के कहाँ पहाड़ पे रखेगा कहीं ये गाड़ी? अली नाश्ता करने वाले पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, और बिल्कुल जंगलात के देखें आगे नाश्ता करेंगे, बिल्कुल जंगल के आगे बैठेंगे इधर और नाश्ता करेंगे। हर चीज बनती है देखा आप लोग, पता नहीं क्या क्या बनती है, हर चीज फ्रेश बनती है। चने, ये क्या कड़ी पकौड़े है भाई? कड़ी पकौड़े है, ये भिंडी भिंडी आ गई, और ये क्या है? कोरमा खत्म हो गया। और ये ओए 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 बड़ा ताकतवर होता है। और उस तरफ क्या बन रहे हैं भाई? पराठे बन रहे हैं। ओए बड़े अच्छे पराठे लग रहे हैं, जरा इसको पलटा उतना अभी पता चलेगा, क्योंकि पलटने के बाद पता चलेगा कैसे पराठे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, अच्छे पराठे। अब जो हमें जगह मिली है ना वो कैसी मिली है भाई? बेहतरीन जगह है, बेहतरीन जगह है भाई, देख रहे हैं आप लोग। चार पाई लग गई है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है इसके अंदर, अभी नाश्ता इधर आने वाला है। बस अभी हम थोड़ा नीचे उतरे तो इस टाइम मौसम थोड़ा हल्का फुल्का गर्म हो गया, तो जैकेट उतार दिए। लेकिन अब हम जाएंगे नथिया गली, और वहाँ पर मौसम और ठंडा। पराठे तो बड़े नस्ली लग रहे हैं, अंडा पराठा आ चुका है भाई। अंडा देख करते हैं कि कैसा है। ये चने, और ये कौन सी दाल है? माश की दाल आ गई, माश की दाल ट्राई करते हैं। पराठा तो बड़ा बेहतरीन है भाई। ओए 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 ओए, ये तो बिल्कुल वैसी दाल है जो हम लोग मंडी में जाते थे ना, वो अंदर कच्चे में इलाके में खाने, बिल्कुल वैसी दाल है, सेम वैसी दाल है भाई। ट्राई करके भाई ये आ गए जरा लाहौरी चने। लाहौर तो हम गए नहीं, लेकिन लाहौरी चने हमारे पास आ गए भाई। ये जरा ट्राई करते हैं ये कैसे हैं। अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छी माश की दाल है, माश की दाल ज्यादा अच्छी है। फिर तो बढ़िया था, दिल नहीं भर रहा था, दाल इतनी मजे की थी कि दिल किया एक और नाश्ते में खा लें दाल। एक और दाल मंगवा ली, और दाल कैसी है भाई? बहुत मजे की है, दाल अच्छी है, अच्छी दाल है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया, और यहाँ पर ऐसा कोई चिड़ पानी आ रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब ओए होए होए। कल जो हम लोग कश्मीर आबशार गए थे उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी है। अभी इधर पानी की बोतलें रखी हुई थी ठंडी करने के लिए, खून जमा रहा है भाई ये तो। चेक करें कितनी प्यारी जगह है, मैंने लगा जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया तो जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ वहाड़ देख रहे हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जोहर की नमाज़ पढ़ी, और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? लालाजार ट्रैक पर। और मौसम अचानक से चेंज हो गया, पहले धूप हो रही थी, अब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है भाई। भाई जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ आप लोग बादल चेक करें। ओए 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 भाई, अब आपका भाई ऊपर आ चुका है आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए, और व्यू आप लोगों को दिखाऊं, चेक करेंगे ये, चेक करें। ओए 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 ओए, क्या ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है फ्रिज के अंदर मैं बैठा हूँ। पीछे आगे पीछे बस व्यू ही व्यू है, बस देखते रहे लेकिन दिल नहीं भरता। ये देखें, हाय हाय माशाल्लाह जबरदस्त, सुभान अल्लाह। ये बादल चेक करें ऊपर जा कैसे रहे हैं। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं उस ट्रैक पे पूरे बादल ही बादल है इस तरीके से। चेक करें शॉल्स वगैरह हर चीज मिल रही है। अरे बहुत मजा आ रहा है, ठंड और ज्यादा, ठंड और ज्यादा हो गई है। हाँ भाई ठंड बहुत हो गई, मैं तो ऊपर चढ़ा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कितनी ठंड है। चेक करें बंदर, देख रहे हैं आप लोग आगे तो अभी बहुत बंदर आ रहे हैं। ये देखे ये बैठे हैं पीछे। ओए होए 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 होए, यहाँ से नीचे को दिख नहीं रहा, बादलों के अंदर है भाई। यहाँ पर भुट्टे बन रहे, अभी मैं आप लोगों को जरा एक चीज दिखाने के लिए गाड़ी से उतरा हूँ। और इधर फॉग बहुत ज्यादा ही है, मतलब फॉग नहीं, इधर पूरे पूरे बादल है। और अभी मैं आप लोग दिखाता हूँ दरख्त पे क्या लिखा हुआ, ये चेक करें, ये देख रहे हैं आप लोग। जब हम लोग उस एंगल से आ रहे थे ना गाड़ी में, तो मैंने देखा इस दरख्त पे दिख रहा है, देखें अल्लाह दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से सही समझ नहीं आ रहा, जब उस तरफ से आप देखते हैं ना पूरा, तो सही से समझ आता है। फिलहाल मेरी गाड़ी अभी बहुत आ गया तो भागना पड़ रहा है। एक जगह गाड़ी रोकी है, बोला ज़रा व्यू देखो, और इधर से ही पता चल रहा है कि व्यू बड़ा कोई नेक्स्ट लेवल का व्यू है। ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन, देख रहे हैं आप लोग। आए हाय हाय, क्या जबरदस्त व्यू है।
कैसा प्यारा है ना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। वो देखो बंदर बैठा हुआ है, वो देखो भाई हमारे पास कोई पहले से कम बंदर है। ऐसे तीन बंदर है ना हमारे पास, वही ना उस बंदर, वो तो बेचारा एक है, हमारे पास तीन है और वो मासूम लग रहा है। हमारे वाले बड़े खतरनाक है, बड़े खतरनाक है। इधर ये बंदर पॉइंट है, इधर बंदर बहुत ज्यादा है। ये देखें कितना छोटा सा बंदर का बच्चा है, देख रहे हैं आप लोग साथ में होए होए। ये भाई नीचे से सारे बादल ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग क्या मैकेनिज्म बना हुआ है, क्या कुदरत है माशाल्लाह। देख रहे हैं आप लोग नीचे से सारे बादल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ों को छुपा दे रहे हैं, पहाड़ों को गायब भी कर दिया बादल ने। भाई कुदरती दीवार है, ऐसा लग रहा है कि सीमेंट से बनाई भी है, लेकिन ये ऐसी दीवार है यार, ओए होए होए जबरदस्त। जब आपको समझ आ रहा होगा व्यू देखें, यहाँ से बादल जा रहे हैं यूं ऊपर, देख रहे हैं आप लोग, आए हाय हाय क्या जबरदस्त मजा। मतलब ऐसा है कि दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का, और कला हमारा आखिरी दिन है, ऐसा दिल चाह रहा है कि तीन चार दिन और बढ़ा दें यहाँ पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इधर तीन चार दिन और स्टे करें तो हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। पता है क्या काम करना पड़ेगा, बताओ क्या काम करना भाई? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। वो 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो हम रुकेंगे, वैसे बात तो सोचने वाली है, लेकिन आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर करा ही नहीं रहे तो फिर हम क्यों रुकें? तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, जाके अभी यूं दबाएं तंग करके। लोग आ गए ढोंगा गली के अंदर, लेकिन ढोंगा गली से हमें अभी जाना है लाला झार ड्राइव। देखिए कितनी प्यारी तितली जा रही है, ओए होए होए देखें ये जा रही है, ये जा रही है, हमारे तो अब दिखती नहीं है यार बटरफ्लाई। लाला झार ट्रैक पे आ गए और यहाँ पर घोड़े खड़े हुए, इसको प्यार करते हैं, वो गुस्सा हो रहा है, चले भाई ऊपर चलते हैं। बिल्कुल जंगल के बीच में से जा रहे हैं। दूसरा ये कि लाला झार ट्रैक पे ना ऐसे ऐसे जानवर होते हैं, अभी आगे आएंगे डिटेल्स के कहाँ होते हैं और क्या कौन से जानवर होते हैं। मैं पिछली दफा भी आया था तो ऊपर उनके पोस्टर लगे, आप लोगों को दिखाऊंगा। इधर देखो ये लेपर्ड या चीता भी होता है, देख रहे हो लिखा हुआ है ना, थोड़ा संभाल के चलना तुम्हें ले नहीं जाए, तुमने वैसे भी रेड कलर पहना हुआ है। यहाँ से कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो गया, और वैसे हमारी ट्रैकिंग की इतनी खास आदत नहीं, लेकिन हमें शौक बहुत है तो सांस भी बहुत फूल है हमारा। क्या बोलते हैं बता नहीं, मैं इसका नाम भूल गया यार, ये देखें ये आप लोग इनको पुंडी कहते हो, हम ओए चली गई नीचे, हम इसको बग कहते हैं भाई, बग ओए होए होए, आ जा आ जा हाथ पे आ जा, ये आ गई भाई आ गई, ये चेक करें पुंडी, जाओ पुंडी उड़ जाओ, उड़ गई भाई पुंडी। यहाँ पर अलग अलग किस्म के जानवर हैं, ये देखें कॉमन लेपर्ड आ गया, कश्मीर हिल फॉक्स आ गया, ये भी कोई फॉक्स अलग अलग, ये कोई कैट है, ये तो हसनैन है भाई, अलग अलग किस्म के जानवर हैं। हॉर्स खड़े हैं, आपको रेंट करके ऊपर जाना तो आप जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, एक ऐसा कच्चा हल्का कच्चा प्लेन ट्रैक, एक है बिल्कुल कच्चा, वो करना है बिल्कुल कच्चा वाला, वो देखो वो ज्यादा कच्चे का रास्ता, सही में ये वाला, हाँ हाँ ये जाएगा ऊपर, चलो इससे चलेंगे। ट्रैक पे क्या लिखा भाई, यू हैव नॉट फ्यूचर विदाउट मी, मतलब दरक मत काटो, शायर इस शेर में कह रहे हैं कि दरक को मत काटो, बिल्कुल सही बात, सही बात है, वरना ऐसी ग्रीनरी आपको कहाँ मिलेगी जो हमारे कराची के साथ हुआ है। चले गए, आ जाओ नीचे आ जाओ, ऊपर कहाँ घूम रहे हो, नीचे आ जाओ, कोई शेर वेर पकड़ लेगा, आ जाओ। लोग आवाज सुने, देख रहे हैं ये जा रहा है थोड़ा प्लेन और ये जा रहा है कच्चा, ये लोग कह रहे हैं कच्चे से चलते हैं, थोड़ा हमें ना एडवेंचर करने का शौक है। और इधर इतने सारे जानवरों की पिक्चर बनी थी लेकिन वो देखें खराब हो गई थोड़ी, अब जरा कच्चे रास्ते से चलते हैं, ये शॉर्ट रास्ता है लेकिन कच्चा, इधर जमीन नहीं है, देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टी मिट्टी पत्थर और घास है, ये देखें जंगल के अंदर से जा रहा है, देख रहे आप लोग बिल्कुल जंगल के ना अंदर अंदर से जा रहा है, वो इतनी झाड़ियाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हाइकिंग करने वाली स्टिक लानी चाहिए, ये मिट्टी भी स्लिप हो रही है, पक्का पक्का इधर सांप है, और सांप मुझे ऐसा लगता है निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल प्लेन और मिट्टी मिट्टी है भाई। ये मेरे ख्याल से शायद बीटल है, ये देख रहे आप लोग क्या उनसे कीड़ा, ये देखें कितने करीब से, ये देख रहे हैं, तो मुझे वो फीलिंग आ रही है जो मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं होता, चलते फिरते कीड़े खा रहा होता, पता नहीं क्या क्या कर रहा होता, उसकी वाली फीलिंग आ रही है। मैं उन्हें स्टार्ट हुई थी, आपके भाई ने जैकेट उतार दिए, और अभी हमें 2 घंटे ऊपर चलना है, 2 घंटे होए होए होए, अभी जितना खाया ना सारा हजम हो जाएगा, सारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। टेढ़े पहाड़ पे दरख्त सीधे खड़े हुए देखें, और कुछ दरख्त टेढ़े भी हुए हैं, देखें उनका शेप देखें यूं राउंड हुआ हुआ है, होए होए होए, फुल हम लोग जंगलों के बीच में भाई, अरे बहुत मजा आ रहा है। हाँ भाई बहुत थक गए, अभी तो हम 20 मिनट चले, अभी तो हमें तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे और चलना है। इधर आवाज़ तो सुने कितनी तेज आ रही है भाई, ओए ओए स्नेल का साइज चेक करो भाई आप लोग, ओए कितना बड़ा है यार, क्या पकड़ के क्या करोगे, घर लेके जाओगे क्या, क्या करोगे पकड़ के, देखें स्नेल ना अंदर चले जाएगा, ये देखें ये देखें पूरा अंदर चले गया, अभी और अंदर चले जाएगा, ये देखिए पूरा श्रिंक हो रहा है, ये देखें जब इसको खतरा महसूस होता है ना ये अंदर चले जाता है। जंगल के अंदर एक और स्नेल है, ये देखें इस बंदे का काम है स्नेल ढूंढना, बेहतरीन काम कर रहा है। ये चेक करें
इधर पत्ते जो है ना एबनॉर्मल तरीके से ना कटे हैं बीच में, ये पता है क्या सीन है, समझ आया? आ जाते होंगे। ये देखो ये देखो ये खाड़ है, सही ये खा रहा है। अच्छा ये देखें, ये देखें, ये बीटल भी खा रहा है। ये देखें बीटल नहीं, बग है वो, ये देखें। और इसका कलर देखें कैसा, ऐसा लग रहा है कोई मेटल की कोई चीज है, देखें कैसा शाइन कर रहा है इसका कलर। भाई ये नाश्ता करें, आ जाओ। एक पत्ता नहीं, ये हर पत्ते को इसी तरीके से खाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग। जो एडवेंचर के शौकीन है और जो इस तरीके की ट्रैकिंग के शौकीन, उनको तो इस व्लॉग में बड़ी मजा आ रहा होगा। सारे हाँ, वो भी स्नेल है, देखो बहुत बड़ा साइज का स्नेल है, वो बहुत बड़ा साइज का। देखें यहाँ से जितने भी पौधे ऊपर चलते जाएं आप, सारे देखें, सारे सारे देखें, सारों को खाया हुआ इन लोगों ने। ओए होए होए होए, लाजार के जू पे तो हम पहुँच गए, और पहुँचते पहुँचते हम आधे हो गए। सही है, देखा वैसे लेते हैं। हाँ भाई, सबको आ रहा है मज़ा ट्रैकिंग में? हाँ भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मेन मज़ा तो अब शुरू है, ये बंदा शुरू दिन से कह रहा है ट्रैकिंग करने का। अभी इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर मैंने तुम लोग जो बताया था हर चीज़ प्रिजर्व की हुई है। हाँ। वो है इसके अंदर, ये तो मुर्गी है, मुझे लगा क्योंकि अंदर ऐसी चीज़ें बहुत प्रिजर्व की हुई है। दरवाज़ा लॉक है क्या? नहीं, खुल गया। अभी देखें इधर को, कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें, बाकी ये देखें यहाँ पर कौन कौन से बर्ड होते थे और कौन कौन से ख़त्म हो गए, वो सारी चीज़ें देखें। ये देखें ये सारे बर्ड ना प्रिजर्व किए हैं, इसमें पता नहीं कोई मसाला वगैरह डाल के ना प्रिजर्व करते हैं। ओए ये क्या चीज़ है, ये चेक करें। और नहीं नहीं, जंगली बिल्ली है। हाँ, इसका नाम देखें, इसका नाम भी कुछ है यहाँ पर लेकिन मिट चुका है। ओए होए, कितनी खतरनाक है। गढ़ मारकोनी है ये, मारकोनी के 12 सिंह होते हैं। 12 सिंह, 6 सिंह वाला कौन सा होता है? 6 सिंह वाला दूसरा होता है। अच्छा, और ये कोई अलग बर्ड आ गया। ये देखें, ये चिपकली देखें कितनी बड़ी लेजर्ड। और इसको क्या बोलते हैं? क्या चीज़? ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये वो है जंगली चूहा है। जंगली चूहा है ये, तो नेवला सांप को खा रहे है। ये नेवला सांप को खा रहा है ये यहाँ की जैसे। और टर्टल देखे, जैसे हमारे पास ग्रीन पैरेट होता है। हाँ, ये तो तुम्हारे लिए खरीदा था हमने। हाँ, ये वही वाले। हाँ, ये हमने सदर से एम्प्रिंस मार्केट से लिया था। और ये चकोर है। हाँ, ये चकोर है, ये चकोर बरकत ही होता है। जंगल का मेंढक इतना बड़ा होता है? मेंढक नहीं है ये टर्टल है। और ये तो अलग अलग किस्म की बतख है। ये चील है, ये बाज नहीं, चील है, बाज बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तुम्हें कौवा दिखाऊं इधर? 3 साल पहले जब मैं आया था, मैंने कौवा पहली दफा देखा था कि इतना बड़ा होता है। ये चेक करें, ओए होए होए, मतलब दो हाथ जितना कौवा है। ये देखो तो सही, चील हमारी कराची की चील जैसी। हाँ, हमारी कराची, इसको देख के एक अलग ही खौफ आता है इस कौवे को, देख रहे आप लोग? हमारी कराची की जो चील है ना, उस हिसाब का इधर का कौवा है। ये देखें, ओए होए होए होए, खतरनाक भाई। अब ये देखें, ये क्या आउल का बच्चा है ये, और ये कोयल आ गई, और बाकी ये अलग आइटम है, इसका नाम नहीं पता, कोई ना कोई आइटम है। और ये क्या, ये अरे हाँ, ये भी अच्छा है। और ये क्या चीज़ है? अरे ये कोई चिड़िया विड़िया है। बाकी चीज़ें खत्म हो गई यहाँ पर, और कुछ बाकी है नहीं। अब ऊपर ट्रैक पे, अरे मुझे लगा पकड़ने आ रहे हैं। और इसको देखो तो सही, कैसा खौफनाक लग रहा है भाई, क्या लग। चलो भाई, चलो ट्रैक करते हैं पूरा, बहुत देर है। ये ट्रैक है तकरीबन 2.5 घंटे का ट्रैक, या 3 घंटे का ट्रैक आप लोग बोले, जाना और आना 1 घंटा होगा या 1.25 घंटा होगा। ये मशहूर है ना भाई, वो चीज़ सामने बैठी हुई मेरे, और बड़ा खतरनाक है यार। मतलब ये लालाजार ट्रैक एक लेपर्ड की वजह से बहुत मशहूर है। और ये रहा वो लेपर्ड भाई, ओए होए होए, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन ये हमें देख के कुछ कर नहीं रहा, मतलब बिल्कुल सिंपल सीधा साधा बैठा हुआ। लेकिन जिस तरीके से मैं, एक बार आई, ये बाढ़ लगी हुई है सही, और ये बाढ़ यहाँ से ना देखें कटी हुई है। अब मुझे बड़ा शौक होता है जब ऐसी कोई चीज़ छुपी हुई होती है और उसमें से रास्ता हो ना अंदर जाने का, लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि जगह बड़ी खतरनाक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जंगली जानवर अंदर हो सकता है जब इसको एकोपाइट किया हुआ है। इधर ना अंदर मेरे ख्याल से कोई जंगली जानवर है, क्योंकि इसके जो कांटे हैं ना उसको यूं टेढ़ किया हुआ है कि कोई जंगली जानवर ऊपर नहीं आ सके, वो कांटों से रुक जाए। मेरे ख्याल से क्या पता, लेपर्ड को अभी पिंजरे में रखा था ना, तो उसको केज से निकाल के अंदर जंगल में छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक जगह छोड़ी है, बाउंड्री बनाई होगी बड़ी। मूवीज़ में नहीं, अमेरिकन हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं ऐसा गेट होता है कब्रिस्तान का, टक करके बंद हो जाता है खुद ही खुद ही। हम जब रात में वापसी आ रहे होंगे ना शाम में, तब ये गेट बंद भी हो सकता है। उस भाई ने बताया, बोला 6:30 से अगर लेट हुए तो गेट बंद हो जाएगा। चेक करें आप लोग, मतलब ये कैसे सनलाइट आ रही है, देखें ट्रैक के अंदर ना बीच बीच में सनलाइट आ रही है। देखें और कैलोरीज देखें, इधर इतनी जल्दी बर्न हो रही है, 51 हो गई, और ये मैंने अभी स्टार्ट किया, मतलब कोई 15 मिनट पहले। भाई असल कच्चा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मुझे डर था क्योंकि मेरे शूज़ हैं वाइट, और अब बस आ गए तो बिस्मिल्लाह करते हैं, कुर्बान करते हैं अपने शूज़ को। पूरा मिट्टी वाला कच्चा ट्रैक, उस पर तो ब्लॉकिंग हुई हुई थी, उस ट्रैक पे कोई इतना मसला नहीं था चढ़ने में भी उतरने में भी, लेकिन ये जो ट्रैक है ना इस पर बहुत मसला है, इसमें शूज़ तो बिल्कुल ही गए भाई। आए अब मज़ा करने तो मज़ा तो करेंगे, और ये बारिश की वजह से देखें, बारिश की वजह से इतना कच्चा ट्रैक हुआ है। घोड़ा इतनी पतली सी जगह में जाता कैसे यार, पता हमें चढ़ने के लिए। ओए होए होए, माशाल्लाह, ये जगह चेक करें आप लोग,
बहुत मतलब ना गब वाली मिट्टी है बिल्कुल, अपना पैर ना हमारा फंस रहा है। इधर से आते हैं लेफ्ट से, जरा कोई घास से पकड़ते हैं, ओह स्लिप हो गया। अब जरा यहाँ से चलते हैं, बहुत मुश्किल रास्ता भाई ये वाला, गीली मिट्टी है ना। अब जहाँ ये पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ थोड़ा आसरा हो जाता है चलने के लिए। हम जोश जोश में ऊपर तो जा रहे हैं भाई, लेकिन ये याद रखना है हमें कि वापस नीचे भी आना है, तब पता चलेगा कि नीचे आते हुए क्या हालत होगी। अतुल गाजी के शूट पे आ गए, सेट पर आ गए, मतलब बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। और कच्चा रास्ता है भाई, और कच्चा रास्ता है, बिस्मिल्लाह। ओए ओए बचत हो गई। ये आ गया ब्रिक्स वाला, सही है ब्रिक्स वाला ट्रैक। ये अक्सर मूवीज वगैरह में दिखता है, अक्सर ऐसी जो मूवी जंगलात में शूट होती है ना उसमें ऐसा ट्रैक यूज होता है। अच्छा रास्ता आप देखें, ऊपर नीचे का रास्ता है, देख रहे कैसे टेढ़ा मेरा ऊपर नीचे रास्ता है। बड़े बड़े पत्थर है, ये देखें बड़े बड़े पत्थर है, इससे जम लगा लगा के जाना है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। और ये जो ब्रेक्स है ना, ये शूज में बिल्कुल घुसते लगते हैं, फील होता है कि कुछ लग रहा है। इसके लिए आपको पहन के आने चाहिए मोटे वाले बूट्स, वो बूट्स तंग नहीं करेंगे आप। एक पे दो तीन चीज़ें अच्छी है कि हर जगह ना अलग अलग रास्ते हैं, एक ब्रेक वाले बने हुए, एक प्लेन रास्ते बने हुए, एक जंप वाले, एक टेढ़े मेढ़े। ये बहुत हार्ड रास्ता है जो अभी जा रहे हैं हम, इसमें सांस बहुत फूली है। ये बिल्कुल गांव जैसे चढ़ते ना वैसा रास्ता है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा और ऊपर लेके जा रहा है। और कितना खतरनाक रास्ता है ये देखें, ये हमें स्टिक लानी चाहिए थी। ये देखें आप लोग ये रास्ता देखें, वो हो इधर अगर यहीं कहीं पैर रखा तो पैर अंदर चले जाएगा। इश होती है तो पानी यहाँ से आ जाता है, ये वैसे रास्ता होता है लेकिन अब ये रास्ता ख़त्म हो गया और ये रास्ता चलना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल ट्रैकिंग के बाद कितना ज़बरदस्त जंगल आया है। अब यहाँ थोड़ी देर बैठ के आराम करवाते हैं भाई, थोड़ी देर आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा थके। मिल गई भाई चीज़ जो इतनी आवाज़ें करती है, ये देखें ये री, ये देखें इस पेड़ के कलर की, ये देख रहे हैं आप लोग, फील भी नहीं हो रहा था हमें। आसमान कितना ब्लू हो रहा है, मतलब मौसम साफ हो चुका है और धूप निकल चुकी है। दूसरा ये कि सबने बोला चोटी बहुत अच्छी है, अब हम चोटी पे जाएंगे तो पता चलेगा कितनी अच्छी है, क्या वहाँ से व्यू आता है। असल तो व्यू के लिए जा रहे हैं और थोड़ी एडवेंचर करने के लिए, और इसको कहते हैं भाई एडवेंचर। जो देखें यहाँ से पानी गुजरता है और यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से व्यू चेक करें आप लोग जंगलात का कैसा व्यू है। पानी की बॉटल अच्छा हुआ मैं लाया था। इससे इससे ट्रैक पे बादल आना स्टार्ट हो गए, चलो आ जाओ ऊपर, चलो भाई बिस्मिल्लाह वापस स्टार्ट करते हैं। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया था और पानी भी आया, अब हो गया बिल्कुल एंड लेवल का खतरनाक ट्रैक। ये ट्रैक देखें, मतलब इस पत्थर पे पैर ग्रिप नहीं बनती, आप पैर रखोगे और पैर स्लिप करेगा, बिस्मिल्लाह। ओए 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 बहुत खतरनाक ट्रैक है ये भाई, चलो भाई बिस्मिल्लाह चलते रहो। इतने ऊपर तक पता नहीं लोग कैसे आते हैं यार, बाकायदा फैमिली आते हुए देखी मैंने इतने ऊपर। बस सब ये सबकी सांसें भूल गई, सांसें भूल गई है। बहुत खतरनाक ट्रैक था ये, छोटा ट्रैक था लेकिन बहुत खतरनाक ट्रैक है ना, फुल कड़क। अब वापस से बादल आना स्टार्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, वो देखें वहाँ पर बादल आ रहे हैं, अब उस पहाड़ से बादल इस पहाड़ पर आएंगे। रास्ता है ना भाई देखें, ये बिल्कुल यूं ऊपर जा रहा है, ओए ओए ये तो बिल्कुल पानी ऐसे आता है जैसे ऊपर जा रहा है ये तो। कैमरा बंद करके मैं ऊपर जाके आप लोग से मिलता हूँ, लेकिन चढ़ाई भाई बहुत ज़्यादा है। लकड़ी डाल के ज़रा चेक करें, ओए ओए कितना गहरा ये देख रहे आप लोग, ओहो यहाँ पर ऊपर से घोड़े जाते हैं। तो इस मोबाइल में पकड़ते हैं साथ में मोबाइल और इधर से पकड़ते हैं लकड़ी, इसको कहते हैं रियल एडवेंचर और रियल हाइकिंग भाई। ओए होए 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 कंटेंट पसंद है और लोगों को बनाने में मजा आता है, उल्टी सीधे व्लॉग मतलब उल्टी सीधी चीज़ें, लेकिन मुझे जो कंटेंट बनाने में खुद जो मज़ा आता है ना वो इस टाइप का कुछ कंटेंट है। अब देखें ये देख रहे हैं आप लोग ये रास्ता कैसे, और वो जो चीज़ें उसमें मेहनत तो हर काम में, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है, हर बंदे की एक अलग टेस्ट होता है, उसमें वो मज़ा नहीं है जो इस काम में मज़ा है। लोग चैनल को ज़रूर जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसी लिहाज से हमारे इस तरीके के एडवेंचर बढ़ते जाएंगे। अभी तो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए और हमारे एडवेंचर चेक करें आप लोग, मतलब चलने की जगह नहीं है। ये देखें मेरे पीछे झाड़ी, देखें आई कमर पर लग रही है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 चलते ही जा रहे हैं भाई, मुझे लगा था यहाँ कहीं चोटी आ जाएगी ये दरख्त पर, मैं ये दरख्त कब से नोटिस कर रहा था, लेकिन नहीं भाई अभी तो पहाड़ चढ़ते ही जा रहे हैं। गाजी में दरख्त गिरा होता है रास्ते में, घोड़े के रास्ते में आता है, फिर वो लोग ये तलवारें निकाल के भागते हैं पीछे दुश्मन के, बिल्कुल यहाँ पर वही सीन याद आ रहा है। ये ना भाई आपकी तलवार, थैंक यू, चलो भाई आगे निकलते हैं। जो रास्ता बना हुआ ना ये कुदरती रास्ता बना हुआ है, तो कुदरती रास्ता आप लोग देख लें कैसा बना हुआ है यार। मुझे लगता है कि इससे खतरनाक हाइकिंग नहीं होगी, क्योंकि बारिशों का मौसम है और पूरा रास्ता कच्चा हो चुका है। अभी हम लोग ज़रा सोच रहे हैं कि शायद वापसी चले जाएँ, बिस्मिल्लाह शायद वापसी चले जाएँ, क्योंकि अपना सामान कैरी करके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। मैं ज़रा व्लॉग बंद करता हूँ,
फिर मैं जाता हूँ बिस्मिल्लाह। उल्टे सीधे दरख्त गिर जाते हैं ना, दरख्त गिरे में बिल्कुल जंगल, ये खतरनाक जंगल है। दरख्त देखें कैसा बना हुआ है। ओए 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 क्यारियां निकली। ओए 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 अटैक कर रही है, अटैक कर रही है। चलो भाई, ये भाई कह रहे हैं लॉरी है ना, कह रहे हैं एक भी लड़ गई तो हम जाएंगे। और ये रास्ता आप लोग देखें यार, ओए 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 बहुत खतरनाक है। जा कैसे रहे, मैं कैमरा बंद करके जाना पड़ रहा है मुझे। करें यार आप लोग, ओए 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 मेरी कमर पे भी कोई, मुझे फील हो रहा है कोई मक्खी या कोई बग चिपकी हुई है। मैं कैमरा बंद करता हूँ तो उसको हटाता हूँ। है ना फील हो रहा है यार। कब पहुँचेंगे? हालत हो गई डाउन, बिल्कुल डाउन हालत हो गई है। अब वापस से मौसम ठंडा हो गया, और ठंड में चढ़ने में ना सांस बहुत फूट गया, नीचे चढ़ने में स्लिप बहुत होंगे हम। और 6:30 बजे गेट बंद हो जाते हैं। और इस वक्त कितने बज रहे हैं? इस वक्त बज रहे हैं 5:03। अभी 20 मिनट की ट्रैकिंग, तो या हाइकिंग बंदा पहुँच चुका है देखें वहाँ पर, वो भी हमारे साथ ही था। ओए होए होए ज़बरदस्त, ये चेक करें। हाँ एंड पहुँचने वाले। चलो चलो यस, बारिश की वजह से दरख्त गिर जाते हैं ना, ये दरख्त गिरे हुए, ये देख दरख्त गिरे हुए हैं यार। आप लोग फूल पौधे सब चेक करें कितने प्यारे। अभी हाँ यही शहद की मक्खी होती है, देखें बटरफ्लाई जा रही है। ये देखें अचानक से धूप बिल्कुल इसके ऊपर लगी है, देखें आप बस अभी बोला भी नहीं जा रहा, व्लॉग बनाया भी नहीं जा रहा, इतना थक गए। मेरे पीछे तो वही व्यू है जिस व्यू से हम कब से ऊपर चलते चलते आ रहे थे, लंबे लंबे दरख्त पहाड़ वगैरह। लेकिन आगे अभी जो मैं अपने आंखों के सामने व्यू देख रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा आना वसूल हो चुका है। सही है, पहले तो आप ये व्यू देख लें, ये व्यू भी किसी चीज़ से कम नहीं है। उसके बाद ये चेक करें, माशाल्लाह ये देखें, देख रहे हैं ऊपर पहाड़ ही पहाड़। और जिस वक्त अभी हम लोग पहुँचे थे ऊपर, बादल थे इधर पूरे, लेकिन हम पहुँचे थे तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। सबसे पहले मैंने पानी लिया इधर, कुछ खाने के लिए लिया, उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए, सारे बैठ गए थोड़ी देर के लिए। क्या नाम है इस इलाके का, क्या बोलते हैं चोटी को? मशपुरी टॉप पर पहुंच गए भाई। और क्यों ही बोले ना ट्रैकिंग खतरनाक ट्रैकिंग करनी है, तो उसको बताओ भाई हम मशपुरी टॉप की ट्रैकिंग करके आ चुके हैं। सही है भाई, हो बादल आना स्टार्ट हो गए ऊपर। जब मैं ऊपर आया था तब बिल्कुल ऐसा ही मौसम था, और क्या ठंड लग रही है यार इधर। हाँ भाई अब थकन पूरी हुई नहीं हुई, ये बंदा तो बहुत थक गया है। हो गई बेहतरीन, मजा आ रहा है। फुल बादलों के अंदर है भाई हम लोग। पैसे वसूल है कि नहीं? देखे भाई पैसे वसूल हो गए, पैसे वसूल है। ओए होए 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 देख रहे भाई बच्चे दिख नहीं रहे भाई, कैसा मौसम हो रहा है, जबरदस्त आके मजा आ गया। ओए होए 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 चाचा हर वक्त ऐसा मौसम होता है कि अभी हुआ है, ये बताओ आप। ये होता है आधे घंटे घंटे बाद होता रहता है, आधे घंटे घंटे बाद होता रहता है यार। अभी देखो वापस धूप आना स्टार्ट हो गई, ये देख रहे हो माशाल्लाह से, बहुत ये निजाम है, बड़ा प्यारा मौसम है यार। शाम और ऊपर जाना है, आ जाओ आ जाओ। चले भाई मजा आ रहा है तो और ऊपर चलते हैं, वरना थक बहुत गए थे, लेकिन अभी और ऊपर जाएंगे। चलो चलो ऊपर आ जाओ। आप लोगों को नीचे बता रहा था ना वो कौवे भाई इधर हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इधर ऐसे बड़े बड़े कौवे होते हैं। ये देखें यार हमारे 3-4 कौवे कराची के कौवों के साइज हैं, इन कौवों के बहुत बड़े बड़े कौवे हैं भाई। फिर बादलों ने एंट्री मार दी, अभी हम लोग बादल के अंदर ही हैं। देखें ये देख रहे हैं बिल्कुल आपको लाइट लाइट दिख रहे होंगे, कैमरे में समझ नहीं आता, वरना रियल लाइफ में हम बिल्कुल बादल के अंदर ही हैं। देखें शाम के और मेरे बीच के अंदर भी बादल आए हुए हैं, कैमरे में क्लियर दिखता है। और ये देखें मतलब अभी हम लोग उस तरफ थे, उस दरख पे मैंने आपको कौवे दिखाए थे, अब देखें वो दरख भी सही दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी देखें उस दरख की। सारे पीछे भाई बैठे हुए ना, इन सबके साथ हमने थंबनेल लिया, ये हमें ट्रैकिंग करते हुए मिल गया तो बस हम ऊपर तक सफर में आ गए। अब सफर किया तो इनके साथ थंबनेल तो बनता है ना भाई, और हमारा वापसी सफर भी इनके साथ ये नीचे था। अच्छा वापसी सफर भी इनके साथ ही नीचे था। चलो चलो और थोड़ा झेलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा झेलना भी पड़ेगा और साथ भी मिल जाएगा। व्यू चेक करें आप लोग, देख रहे सन कैसे, सन की शुआएं देखे पीछे कैसे आ रही है। अब ये लोग कह रहे हैं बस वापस चलो, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वापस जाने का, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी और देर यहाँ गुजारें। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये कि नीचे गेट बंद हो जाता है, तो अब जाना ही पड़ेगा भाई वापसी। उतरना बहुत मुश्किल है क्योंकि देखें अभी तो ये प्लेन रास्ता है, ये हम पत्थर पत्थर से चले जाएंगे, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ अगर इसके अंदर पाँव गया ना स्लिप होगा डायरेक्ट बंदा। ये देख रहे हैं जा चुका है। अच्छा ये देखो मेरी पैंट का हालत देखो, मैंने किया असली नस्ली हाइकिंग भाई। चलो भाई बिल्कुल कच्चा रास्ता आ गया, अब इसमें आप पक्के से आते हैं। ये इस तरफ कच्चा रास्ता है तो उससे घोड़ा आता है, और यहाँ पर पक्का रास्ता है। ये इतनी बड़ी बड़ी जंप मार के जाने पड़े भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत पॉइंट पे ऐसे कि आप पैर रखो और पैर नीचे खुद ही जा रहा है, बहुत स्लिप हो रहा है। मुझे पता था वापसी जाते हुए यही होगा, लेकिन नीचे हमें अंधेरा होने से पहले नीचे उतरना है, वरना जंगली जानवर इधर बहुत है। मसला ये कि इधर जा रहे हैं दो रास्ते, एक ऊपर एक नीचे। अब ये ऊपर वाला रास्ता भी नीचे ही जाता है, अब इधर ये देखें ये भी रास्ता जा रहा है, अब हमें पता नहीं चला कौन से रास्ते पर है।
करें आप लोग कितना बड़ा घिरा हुआ है यार, बस ये अटका हुआ है, किसी वक्त भी नीचे आकर रोड बंद कर सकते हैं। और यहाँ कीचड़ देखें, जूते तो फारिग ही हो गए पूरे। खैर चले चले, एडवेंचर करना पड़ता है तो ये चीज़ों की ज़रूरत, ये चीज़ें होती ऐसी। भाई गब में पैर जा चुका है, कीचड़ में पूरा पैर जा चुका है, और भाई हमें जल्दी से जल्दी निकलना है, रात इतनी हो रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है कि मैं मैन वर्सेस वाइल्ड बना हुआ, रात होती जा रही है और ठंडक बढ़ती जा रही है। और रात में इधर जंगली जानवर भी होते हैं, सबसे खतरनाक इधर होती है एक जंगली बिल्ली, जो मैंने आप लोगों को अंदर दिखाई थी, वो बहुत खतरनाक है, वो डायरेक्ट पैर पे हमला करती है। ये भाई मशरूम, ओए ओए ओए, बचत बचत भाई, ये देखें ये मशरूम्स है, ये देख रहे हैं ये सारे मशरूम्स आ रहे हैं, ये देखें सारे मशरूम्स, अच्छे मशरूम्स है, सारे जंगली मशरूम्स है, ये देख रहे हैं आप लोग, पूरे इधर ना मशरूम उगे हुए साइड में सारे पोस्टर में। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर देखें लैटिट्यूड लिखा हुआ है, इसके फायदे बहुत हैं, ये जब आप गूगल पर डालेंगे ना आपको ये बिल्कुल इसी जगह पर ले आएगा मैप, देख रहे हैं। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें यार, ये देखें, ओए होए होए जबरदस्त, ओए होए 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 भाई, अंधेरा होता जा रहा है। और आपको मैंने बताया था अंधेरे में ये जंगलात बहुत खतरनाक है, इधर जो बिल्ली है ना सबसे ज्यादा खतरनाक एक बिल्ली है, वही बिल्ली है, क्योंकि लेपर्ड तो इधर बहुत कम ही है, लेकिन बिल्ली बहुत ज्यादा है यहाँ पर। वो लोगों बादल दिख रहे होंगे, देखें वो बंदा भी वहाँ जा रहा है तो गायब हो गया, देखें अब आप लोग बादल सही दिख रहे होंगे। फिलहाल फाइनली सीधा ट्रैक स्टार्ट हो गया, अब ना गिरने का डर है ना कुछ, अब तो हम रनिंग करते हुए जा सकते हैं इस पर। भाई अब आप लोगों को फाइनली क्लियर बादल नजर आ रहे होंगे, देख रहे हैं भाई अब क्लियर बादल नजर आ रहे होंगे, और अंधेरा होता जा रहा है, जानवरों की आवाज़ें बढ़ती जा रही है। भाई एक गेट 6:30 बजे बंद होता है, अभी 6:36 हो रहे हैं, सही, इसके बाद वाला गेट है वो 7 बजे बंद होता है। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर गेट बंद तो ऊपर फंस गया तो फंस गया, ऊपर फिर एक अलग रास्ता है जो ढोंगा गली में उतरता है, ये रास्ता नथिया गली में उतरता है, वो रास्ता ढोंगा गली में उतरता है, ये पूरे पहाड़ों से जुड़े हुए रास्ते हैं, तो वो रास्ता ढोंगा गली में उतरता है, अगर गेट बंद हो गया तो फिर आप वापस टॉप पे जाओगे ट्रैकिंग करके, फिर आप ढोंगा गली में उतरोगे, तो मुश्किल रास्ता इधर से, बल्कि हाँ इधर से भी सॉरी रास्ता एक आता है, गेट बंद होता है तो उसके लेफ्ट से एक छोटा सा रास्ता बना हुआ, वो डायरेक्ट ढोंगा गली में निकलता है। लेकिन जैसे हमें यहाँ से ऊपर जाने में 2 घंटे लगे या 2.5 घंटे लगे, तो ढोंगा गली से लगते हैं 3-3.5 घंटे, और उतरने में हमें जैसे 1 घंटा लगा तो ढोंगा गली उतरने में हमें 2 घंटे लगते हैं, मतलब डबल रास्ता हो जाता है। ये दूसरा गेट है, ओए हो इधर आवाज़ें सुने कितनी है, ये मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर, देखें दूसरा वाला गेट है, ये 7 बजे तक बंद हो जाता है, सही है, और वहाँ पर ऊपर मस्जिद भी बनी हुई है। अब तो ये नॉर्मल सा ट्रैक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल, बस निकल जाते रहो, रोड बनी हुई है पक्की। दूसरा वाला गेट है, ये 7 बजे तक बंद हो जाता है, सही है, और वहाँ पर ऊपर मस्जिद भी बनी हुई है। अब तो ये नॉर्मल सा ट्रैक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल, बस निकल जाते रहो, रोड बनी हुई है पक्की। शाम हमें ये ट्रैक भी मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल, लेकिन जब ऊपर गए तो पता चला ऊपर कितने मुश्किल ट्रैक है, बहुत मुश्किल ट्रैक है भाई ऊपर तो, और अलग अलग किस्म के ट्रैक हैं, कोई कीचड़ वाले हैं तो कोई पत्थरों वाले हैं, कोई लकड़ी वाले, हाँ भाई बहुत खतरनाक ट्रैक है। अब लोग बादल देखें कितने आ गए, देख रहे हैं कैमरे में दिख भी नहीं रहा, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और शाम भाई अंदर से कोई एडवेंचर की चीज़ निकालें, आज हमने सही एडवेंचर किया है, ये देख रहे हैं कितने बादल आए हैं, बिल्कुल बादलों में भाई पूरे गीले गीले, ये देखें ये निकालिए ना इसने चीज़, सही है, ये देखें बादल को काटते हुए जा रही है, आप लोग देख रहे हैं, हाय 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 ज़बरदस्त, ये देख रहे हैं भाई आप लोग, कुछ दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी 0 हो गई है, और ट्रैक बिल्कुल गायब हो गया, और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, ये देखें ऊपर फिर भी दिख रहा है, लेकिन नीचे रोशनी नहीं है तो नीचे नहीं दिख रहा। भाइयों सबको मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बेहतरीन हो गया, बहुत ज़्यादा, ये फैसलाबाद वालों को भी हमारे साथ मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया हमारे साथ, आप लोग से ज्यादा मजा आया, अच्छा हमसे ज्यादा मजा आया, आप बोले मैं कहता हूँ आपके साथ ज्यादा मजा आया, अच्छा हमारे अगर हम अकेले होते तो इतना मजा नहीं आना था, अच्छा आप साथ भाई कच्चे से जाने का कह रहे थे, लेकिन हमने मना किया क्योंकि पक्का रास्ता बना हुआ है, और रात का टाइम है, जंगली जानवर अब आ गए होंगे ना, आप बेस्ट टूरिस्ट गाइड हो, अच्छा मजा आ गया आज का जो व्यू देखा ना आज, हाँ बेस्ट हो गया, मैं वैसे टूरिस्ट गाइड हूँ नहीं, अब पक्का रास्ता बना हुआ है, लेकिन ये सब जिद करें कच्चे रास्ते से जाने की, कह रहे हैं ये शॉर्ट है, चले भाई चलते हैं जरा इधर अंधेरे में ना, जरा देखना बहुत मुश्किल है जगह को, ये देख रहे हैं आप लोग खाली इतनी सी होल में ही दिख रही है जगह, ओए ओए कच्चा रास्ता वापस से ट्रैकिंग वाला सिस्टम हो गया स्टार्ट यार, बिल्कुल पहाड़ कटे हैं इधर, हमने पहला स्टॉप लिया था और हम आखिरी बंदे होंगे जो ट्रैक खत्म कर रहे हैं, देख रहे हैं बादल अब तो कैमरे में पूरे दिख रहे होंगे, ये देखें ये नीचे जा रहा है, वो देखें ट्रैक है, वो देखें वो ना बिल्कुल बनावट ट्रैक है, ठंड इतनी बढ़ गई है कि हम तो ऊपर से आ रहे थे हमें पता ही था, जिसम थोड़ा गर्म था, ये पहले नीचे पहुंच चुका था, ये देखें निकालो, ये देखें टॉर्च में आपको दिख रहा होगा, देखें धुआं देखें कितना निकल रहा है, जैसे ही हम उतरे गाड़ी आ गई है यार, फौरन ही गाड़ी आ गई, अभी बस उतर ही रहे हैं, गाड़ी यहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी है। फिलहाल हम लोग नथिया गली के मार्केट में घूम रहे हैं, और नथिया गली मार्केट तो फुल हुई हुई है भाई, रश पूरा है नथिया गली में, और हमारा खाने का प्लान था इधर पटाखा चिकन कोई होती है वहाँ पर, लेकिन
अब हम थक इतना गए कि हम मरी में कुछ खाएंगे। एक छोटा सा बाजार है, हमने सोचा थोड़ा घूमेंगे, लेकिन है छोटा सा बाजार, तो अब डायरेक्ट होटल चलते हैं, थक भी बहुत गए। भाई बाजार में रुकना है कि डायरेक्ट होटल जाना है सबको? डायरेक्ट होटल जाना, डायरेक्ट होटल। सच्ची भाई सब थक गए, डायरेक्ट होटल ही चलते। एक बात बताएं, ये लाला जार का जो ट्रैक है ये हर आम बंदा कर लेता है? ये आम बंदा नहीं कर सकता। मैं भी बैठा सोच रहा था कि आप आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे। आधे रास्ते वापस आ जाएंगे क्यों? कराची के है ना, कराची शहरी लोग चलते नहीं है। नहीं नहीं, हम अपने शहर में भी फुल एडवेंचर करते हैं इसी तरह। माशाल्लाह बड़ी बात है, आपने पूरा किया, वरना आम लोग नहीं कर पाते। आम लोग नहीं कर पाते वैसे। अक्सर हमने यही देखा कि हम ट्रैक पे जब जा रहे थे ना, तो आधे रास्ते में लोग वापस वापस आ जाते हैं। ऑक्सीजन कम होती है, सांस का सांस का भी मसला होता है, सांस बहुत फूलती थी। और वहाँ का रोड भी, रोड तो है नहीं बल्कि कच्चा है, पत्थर और कीचड़ है, इसलिए लोग वापस जा रहे हैं। ऊपर भी इतने लोग नहीं गए, बहुत कम लोग थे ऊपर। जी बिल्कुल, इसीलिए नहीं, सारे लोग नहीं जा सकते। आपकी बड़ी हिम्मत है आपकी और वापस आ गए। चलो भाई, मतलब हमारे लोग तैयार हैं फिर एडवेंचर के लिए सारे। फिलहाल तो थक कर सो गए हैं। हाँ भाई, भाई आप लोग विजिबिलिटी देख रहे हैं कितनी ख़राब हुई है। ये देखें बिल्कुल ख़राब हुई है। ये बारिश देखें, ये सारे बादल आए हुए नीचे, बादल देखें भाई, बादल आगे तो विजिबिलिटी है ही नहीं। देख रहे आप लोग, देख ही नहीं रहा आगे। वो देखें गाड़ी आ रही है, बादल देखें, पूरे बादल ही बादल। तरीके की बिजली चमक रही है ना, बड़ी खतरनाक बारिश होने वाली है। ओए भाई बहुत खतरनाक बिजली जी। माल रोड पे फिलहाल हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन अभी ये ना यहाँ से कोई फ्लैश मार रहा है ऊपर। ओए नेक्स्ट लेवल। ओए मुझे तो लग रहा है कि ऐसी जो बिजली गरज रही है ना, कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, बल्कि इस्लामाबाद की तरफ हो रही होगी बारिश। वो देखो इस्लामाबाद उसके पीछे ना हो रही होगी, उधर इस्लामाबाद है, बारिश हो रही होगी। बहुत ज्यादा ठंडा हुआ है, देखें पानी पड़ा है, मतलब अभी बारिश चली थी और आप लोगों को दिखाया बादल कितने गरज रहे हैं। अभी हम माल रोड पे आ चुके हैं। आज हमने सोचा कुछ हल्का खाएंगे, हाइकिंग करें, थक गए, भूख तो लग रही है, लेकिन सोचा कुछ हल्का हल्का खाएंगे, शवरमा या बर्गर हल्का। कल भी हमने बर्गर खाया, तो आज हम सोचे क्या खाएं, थोड़ा सा हल्का खाएं, शवरमा वगैरह खाएं। अरे बर्गर आ चुके हैं, बाकी के तीन लोग तो होटल में आराम करें, थक बहुत गया, ट्रैकिंग बहुत थक गया, मैं भी थक गया था, लेकिन मैं नहीं माल रोड आएंगे। और अब हमारा सीन चेंज हो गया, आज इतना अच्छा मौसम था, वो आपको घर जाके बताता हूँ सीन क्या चेंज हुआ। फिलहाल खाना खाते हैं। तो कल हशाम भाई ने तस्बीह ली थी ना, आज आपके भाई ने भी ले ली। और ये केस क्या नाम था तस्बीह का? तस्बीह का नाम ही भूल गया भाई, वैसे तस्बीह पता नहीं, ये दाना इसका दाने का नाम भी भूल गया। कोई अच्छी आप समझ लें, देख रहे हैं बिल्कुल एंटीक तस्बीह है, देखें। आए हाय हाय, किसी को गिफ्ट देने के लिए बड़ी काम आएगी भाई। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगले दिन, पिछले दिन हम इतना थक गए थे, गले में आवाज़ भी बढ़ गई है, बुखार भी हो गया था भाई को, स्वेट हो गया बुखार, मेरी आवाज़ भी बढ़ गई। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मतलब कल का ब्लॉग आज एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को जाके भाई जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, बोलो करते रहो, करते रहो, रुको मत, बस दबाते रहो बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इंस्टाग्राम पर आप दानिश के नाम से फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।